और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिडिल स्टैंडर्ड की तैयारी जारी होगी क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा पेपर है और मैं आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया हूं। और एक इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रूल्स भी है जो सिर्फ मिडिल के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स और फिर इसके बहुत सारे एग्जाम आगे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए आज हम करते हैं इंटरसेक्शन और साथ यूनियन के कंसेप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ डिमॉर्गन लॉ। और डिमॉर्गन लॉ के टू पार्ट है जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये सिर्फ मिडिल वाले नहीं बल्कि जिसको भी ये कंसेप्ट चाहिए तो डिमॉर्गन लॉ को जानने के लिए और इसके अलावा बाकी लॉ को जानना है तो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको उन तमाम एक्सरसाइज का जो गेस्ट पेपर बना के दिया है अगर आप लोग उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आज ही आपको साथ साथ वीडियो बनाकर अपलोड करता जाऊंगा। तो आइए आप चलते हैं अपने डिमॉर्गन लॉ की तरफ। जी क्या कहते हैं डिमॉर्गन लॉ? कहता है कि हमारे पास इसके टू पार्ट है, वन ए इंटरसेक्शन बी, ए मेन एक सेट, बी मेन दूसरा सेट और उसका है सी मेन कॉम्प्लीमेंट। इट्स इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर फर्स्ट में इंटरसेक्शन है यानी कि तकाते और अगर दूसरे के अंदर क्या है यूनियन, अगर फर्स्ट के अंदर यूनियन है जो कंबाइन है तो उधर सेपरेट क्या होगा इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन के लॉज को अच्छी तरह कंसेप्ट जानिएगा, इसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शंस को भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपका डाउट साथ डिफरेंस को भी। तो क्वेश्चन के अंदर तीन से चार चीजें हमारी हल हो रही है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, हमारे पास कोई एक ए सेट है जिसमें वैल्यू 2, 4, 6 है, बी सेट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7 है। तो साथ ही हमारा जो इसका यू यूनियन यू हमारे पास जो सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 है। तो इस तरह कोई भी सेट होंगे इस कंसेप्ट को समझिएगा। और ये मिडल में 1.2 की पहली एग्जांपल्स है जो पेपर में कई बार आ चुकी है, चाहे 1, 2, 3, 4, 5 रिजल्ट के अंदर आप लोग इनको चेक कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह कल जरूर मिलेगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, सॉल्यूशंस की तरफ। तो हम सॉल्यूशंस को करेंगे पहली सेट्स को और इसको हम हल करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इट्स इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है जब इक्वल बिटवीन होता है तो टू साइड्स होगी, अगर टू साइड है तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व किसको करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है यू डिफरेंस ए यूनियन बी। हमें इसको अब सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए ए यूनियन बी पहले सॉल्व करना है। तो चले हम सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी को इक्वल फर्स्ट क्या है ए, हमारे पास ये क्या है 2, 4 एंड 6 यूनियन, नेक्स्ट क्या है बी और बी की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो दोनों का क्या है नजर तो आ रहा है यूनियन, यूनियन से क्या मतलब है दोनों सेटों को मिलाकर लिख लेना है, कंबाइन कर लेना है, गैदर्स कर लेना है। तो देखते हैं दोनों को कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे, लेकिन कोई चीज अगर रिपीटेड है तो लिखी जाएगी ओनली वन टाइम। तो देखें उधर से क्या है 1 फर्स्ट वो लिखेंगे, इधर से 2 उधर से 3 इधर से 4 उधर से 5 इधर से 6 और उधर से 7। तो जरा चेक करें हमारे पास 2 टाइम है लिखना 1 टाइम, हमारे पास 4 2 टाइम है लिखना 1 टाइम,
हमारे पास 6-2 टाइम है, लेकिन लिखा ओनली वन टाइम जाएगा। रिपीटेड वर्ड आप लोगों को रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, ओनली वन टाइम लिखेंगे। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, आगे चलते हैं। ब्रैकेट अगर हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है तो आगे हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, यू मनफी ए यूनियन बी के इक्वल। आप क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करो, इजीली हल होगा। करते हैं जी वैल्यू, क्या है वैल्यू, वैल्यू है यू की, तो यू ये दिया है 1 से लेकर 10 तक, 1, 2, 3 और सो ऑन। मैं कहां तक ले जाऊंगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1, 2, 3 सो ऑन, कि हमारे पास जगह थोड़ा कम है तो हम इसको इतना इस तरह सो ऑन करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस। आगे क्या है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या निकला है, सभी ने जाना 1 यस, क्या निकला 2 यस, क्या निकला 3 यस, नेक्स्ट 4 यस, 5 एंड 6 एंड 7, तो नो द आंसर इज डिफरेंस मीन के फर्स्ट के वो डिजिट लिखेंगे कि सेकंड में नहीं है, फर्स्ट के वो डिजिट लिखेंगे जो सेकंड में नहीं है। तो चेक करें कौन कौन से नहीं है, 1 उसमें है तो नहीं आएगा, 2 है यस, 3 है 4, 5, 6 तो क्या नहीं है उसमें, 8 नहीं है उसमें, 9 नहीं है उसके अंदर, 10 नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अंडरस्टैंड, ओनली फर्स्ट के डिजिट लेने, फर्स्ट के, सेकंड का भी अगर कोई एक्स्ट्रा होता है 11, 12 तो वो नहीं आना है, सिर्फ पहले सेट के, ये है डिफरेंस। तो इंटरसेक्शन भी हम इसी में सीखेंगे, यूनियन भी इसी में सीखेंगे और डिफरेंस भी, और यही रिक्वेस्ट के मतलब हमारी तुम्हारा यूनिट इसी के रेलेवेंट होता है। तो चलते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट एंड राइट हैंड साइड। तो व्हाट इज द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसको फाइंड करेंगे, फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस ओनली हमें पहले ए का कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा, और ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, यू माइनस ए के। ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू मल्फी ए के। तो चलते हैं अब यू की वैल्यू की तरफ, क्या है यू की वैल्यू, 1 से लेकर 10 तक, तो पुट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो चाहे ऐसे पुट कर लो, चाहे जिस तरह बताया है 1, 2, 3 एंड सो ऑन 10। यस डिफरेंस है ए का, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2 यस 4 एंड 6, निकल क्या रहा है ए कंप्लीमेंट। तो हमने डिफरेंस क्या पढ़ा, फर्स्ट के वो डिजिट क्यों भी, आप खुद बताएं, आप लोग समझ तो आ रही होगी कि स्पीड है, अगर स्पीड है तो कमेंट करो ताकि मैं स्लो हो जाऊं, समझ आ रही है, और अगर आ रही है तो वेरी गुड। ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, कि ए यू माइनस यू डिफरेंस ए, फर्स्ट की वो वैल्यू, फर्स्ट के वो डिजिट जो सेकंड में नहीं है, कौन कौन से नहीं है, उसमें 1 नहीं है, उसमें 3 नहीं है, उसमें 5 नहीं है, उसमें 7 नहीं है, उसमें 8 नहीं है, उसमें 9 नहीं है, और उसमें 10 नहीं है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, चले जी आगे चलते हैं बी कंप्लीमेंट की तरफ, और बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, यू माइनस बी के इक्वल। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, यू की जगह पे यू की वैल्यू पुट करें जी, क्या है यू का सेट, 1 से लेकर 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू है 1 यस 2, 3, 4, 5, 6 and 7। वेरी गुड, आपको तो सब पता है, ऐसे परेशान होते रहते हैं मैथमेटिक्स में। अब देखिए फर्स्ट के वो डिजिट जो सेकंड में नहीं है, तो कौन से हैं, 1 से लेकर 7 तक तो मौजूद है, क्या नहीं है, 8 नहीं,
नाइन नहीं, छह नहीं है, वेरी गुड। ये तो मुझे आपकी आवाजें सुन रही है सभी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, भी आपको समझ आ रही है। अब आए आगे एक कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन पे एक कॉम्प्लीमेंट। जी क्या है एक कॉम्प्लीमेंट? वन, वेरी गुड, थ्री, फाइव, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड इंटरसेक्शन। क्या होगा भी कॉम्प्लीमेंट? भी कॉम्प्लीमेंट का आंसर एट, यस, नाइन, यस, टेन। अब क्या लेंगे? अब लेंगे दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मीन जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में सेम है, जो दोनों में एक जैसे है। तो देखें कौन कौन से है एक जैसे, सेम और कॉमन। एट सेम है, नाइन सेम है, वेरी गुड, और टेन सेम है। तो हमारे पास क्या आया? ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। द आंसर इज सेम। तो सो दिस इज अप्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। अंडरस्टैंड? यस, वेरी गुड। तो मैंने फर्स्ट पार्ट किया है और अब मैं आपको सेकंड पार्ट जरा स्लोली समझा दूंगा। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा तो पता नहीं सर स्पीड बड़ी तेज है, हमें तो बड़ी बड़ी जल्दी समझा देते हैं, पता ही नहीं चलता है। फिर बताता हूं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाभ में सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मैथमेटिक्स के अंदर कम से कम कोई प्रॉब्लम ना हो। और इंशाल्लाह अगर मेरे साथ रहेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मिडिल के बाद नाइन्थ आपने आना है, नाइन्थ की वीडियोस बनी हुई है, नाइन्थ के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तो तमाम बुक है टेंथ में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। आगे जिसने जिस सब्जेक्ट की तरफ भी आना है तो कमेंट करो, प्रॉपर गाइड करूंगा और साथ ये बताऊंगा कि मिडिल के फौरन बाद आपको क्या करना चाहिए। समझ आ रही है? चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। चले जी डियर, दूसरे पार्ट की तरफ चलती है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है स्लो समझाऊंगा, मजे से समझिएगा, ना पता चले तो जरूर पूछिएगा। सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इट्स इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। थकाते बी कॉम्प्लीमेंट एग्जाम्पल हमें दी है ए सेट एंड बी सेट एंड यू सेट। और आप हम सोल्यूशन देंगे ए यूनियन और आगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, क्योंकि मैंने वही वैल्यू लिखी, सिर्फ उसके दरमियान में आपको बताया। अब पहले जहां पर इंटरसेक्शन था यूनियन लिख लिया, जहां पर आपका यूनियन था वहां पर इंटरसेक्शन लिख लिया। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम क्या लेंगे सबसे पहले? हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? ए यूनियन बी और इसका लेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए यूनियन बी, उसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? यू में से नीचे वाली वैल्यू, नीचे वाला साइड हमने क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। ये लिखने के बाद क्या करेंगे भाई? हमें तो पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, वो निकलेगा तो यू में से हम उसका डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो चलते हैं हम पहले ए यूनियन बी की तरफ। ए यूनियन बी, जरा चेक करें डियर्स, देखिए ए हमारे पास क्या है? ए सेट हमारे पास 2, 4 एंड 6, बिटवीन क्या लगाएंगे? यूनियन। वेरी गुड। आगे बी, और बी की वैल्यूज क्या है? ये है हमारे पास बी की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा? यूनियन। तो लेते हैं यूनियन। क्या है यूनियन? दोनों को हमने मिलाकर लिख लेना है, लेकिन कोई वर्ड कोई डिजिट आपका रिपीटेड है तो लिखना वन टाइम है, टू टाइम नहीं लिखेंगे। वन आया, फिर टू, उधर से थ्री, उधर से फोर, उधर से फाइव, इधर से सिक्स और साथ ही सेवन, यूनियन आ गया। समझ आई? जी वेरी गुड, समझ आ गया। आगे चलते हैं हम, इसमें हम निकालेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर किसकी होगा? यू मंथली ए यूनियन बी के। जी डीएल, ये क्या है यू? तो हम लिखेंगे यू का सेट। क्या है सेट यू का? 1 से लेकर 1, 2, 3, 4। मैं आगे 100 और लिख लूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि आगे से हमारे पास जगह कम हो जानी है। तो मैंने यू की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, फिर आगे ए यूनियन बी की वैल्यू जो ऊपर है हमें नजर आ रही है, क्या है? 1, 2, 3,
फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। अब क्या आएगा, डिफरेंस लेंगे पहले के वो एलिमेंट जो सेकंड में नहीं है, कौन कौन से नहीं है, ना तो उसमें एट है, ना उसमें नाइन है, और ना ही उसमें टेन। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अब चलते हैं, अब हम किसकी तरफ चलेंगे बताएं बताएं। वेरी गुड, अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ मेरे पास क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, और उसका क्या लेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट लेंगे जी। वेरी गुड, चलते हैं फिर ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यू डिफरेंस ए। तो पहले आपको यू की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्या है यू की वैल्यू। मेरे पास जो यू की वैल्यू है वो है वन से लेकर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। इसके बाद ए की वैल्यू चेक करें, क्या है ए की वैल्यू मेरे पास, ए की वैल्यू सेट टू फोर एंड सिक्स। तो यू फॉर के खिलाफ पहले के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है, कौन कौन से नहीं, वन नहीं, थ्री नहीं है, फाइव नहीं है, सेवन नहीं है, एट नहीं है, नाइन नहीं है और टेन नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल, यू माइनस बी। ऑलरेडी किया है, एक तो रिवीजन हो जाएगी साथ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। यू की वैल्यू क्या है, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन टेन। डिफरेंस बी की वैल्यू क्या है, क्या है सेट बी का, जी वन से लेकर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। क्या आ जाएगा, दोनों में से पहले की वो डिजिट जो सेकंड में नहीं, ना एट है ना नाइन है और ना ही टेन है। तो हमारे पास ये क्या आ चुका, बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, टोटल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है वन थ्री फाइव सेवन एट नाइन एंड टेन। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है वो, एट नाइन एंड टेन। तो क्या देंगे, जो दोनों में सेम है, जो दोनों में मैच करते हैं। तो क्या मैच कर रहे हैं, एट नाइन एंड टेन। तो यही क्या होगा, प्रूव। अगर ये प्रूव्ड है तो फिर नीचे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट आई थिंक सो कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा, अल्लाह के पास।